चलिए शुरू करते हैं फिर से थ्योरम्स थ्योरम। और कल मैंने आपको लिखवाया था इंटरेस्ट रेट पैरिटी, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, परचेस पैरिटी थ्योरम, यस परचेसिंग पावर पैरिटी और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, एक्सपेक्टेशन थ्योरी। तो आइए फिर से वही समझें, फिर से वही शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 134। जाइक एथलेटिक शूज सेल्स टू अ होलसेलर इन जर्मनी, द परचेस प्राइस इज 50,000 यूरोज 90 डेज। जब पेमेंट आ जाएगा तो जाइक उसको यूरो से डॉलर्स में कन्वर्ट कर देगा। प्रेजेंट रेट ये चल रहा है, 90 डेज ये रेट चल रहा है। अगर जाइक को हेज करना हो तो उसने क्या करना चाहिए, क्या ट्रांजैक्शन नेसेसरी है? तो बताइए हम कहाँ पर बैठे हैं? हम यूएस में बैठे हैं और आपको एक तरह से रिसीवेबल है 50,000 यूरोज का। अब आज स्पॉट रेट चल रहा है, और फॉरवर्ड चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपने फॉरवर्ड लेना चाहिए, सेल करना चाहिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लिख लेंगे ऐसा, पहले इतना लिख लेंगे, फिर मैं इंग्लिश में लिखा देता हूँ। देफो इन ऑर्डर टू हेज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, देफो इन ऑर्डर टू हेज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जाइक शुड सेल अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जाइक शुड सेल अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच विल रिजल्ट इन टू अ इनफ्लो ऑफ विच विल रिजल्ट इन टू अ इनफ्लो ऑफ 50,000 यूरोज इन टू 0.984, विच विल रिजल्ट इन टू एन इनफ्लो ऑफ 50,000 इन टू 0.984, जितना आता उतना डॉलर्स। बीबिट, बीबिट बोल रहा है यूरो प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है? प्रीमियम पे तो चलेंगे। सीइंग द कोट्स स्टेटेड अबव वी कैन कंक्लूड दैट, सीइंग द कोट्स स्टेटेड अबव वी कैन कंक्लूड दैट यूरो इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, यूरो इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, यूरो इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। सीबिट, दोनों देशों के बीच में इंटरेस्ट रेट्स में क्या डिफरेंस होगा? अब पहली बात तो प्रीमियम परसेंटेज निकाल के देखते हैं। 0.984 माइनस 0.980 अपॉन 0.980 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री करके भी 1.63। इसका मतलब यूएस और यूरो के जो इंटरेस्ट रेट्स है उनमें 1.63 का डिफरेंस रहेगा, जहां पर यूएस का इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा और जर्मनी का कम रहेगा। तो सी बिट मैं लिखवाऊंगा, एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम वी नो दैट, एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम वी नो दैट एक्सचेंज रेट डिफरेंस इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, एक्सचेंज रेट डिफरेंस इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंस।
बरोबर, देफो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट यूरो प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म्स, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट यूरो प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म्स। और फिर आपका ये परसेंटेज निकाल लीजिए, परफेक्ट। देयरफॉर द इम्प्लाइड डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज, द इम्प्लाइड डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज विल बी 1.63%, विल बी 1.63% कॉमा यूएस इंटरेस्ट रेट्स ऑन द हायर साइड, यूएस इंटरेस्ट रेट्स ऑन द हायर साइड। राइट, क्वेश्चन नंबर 135। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर आप देखेंगे, पहले मेरे को स्पॉट दिया है, अब मेरे को स्पॉट किसका दिया है, $1 इज इक्वल्स टू 2 DG, तो ये क्या हो गया एक तरह से DG अपॉन डॉलर। फिर मेरे को दिया फॉरवर्ड, अब मुझे फॉरवर्ड किसका दिया, $1 इज इक्वल्स टू 1.6 DM, मतलब ये मिल गया मुझे DM अपॉन डॉलर। और मेरे को बोला कि तुम 3 मंथ फॉरवर्ड निकालो, 3 मंथ फॉरवर्ड काय का निकालो, DG अपॉन DM। अब जब मैंने ये देखा कि DG अपॉन DM निकालना है, तो मेरा दिमाग चला कि DG अपॉन DM संभव तो है, कैसे, DG अपॉन डॉलर इंटू डॉलर अपॉन DM, अगर हम ऐसा करेंगे तो संभव है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अगर फॉरवर्ड निकालना है, तो कॉमन सेंस, ये भी फॉरवर्ड होना चाहिए और ये भी फॉरवर्ड होना चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि मेरे पास जो डॉलर अपॉन DM है वो उसका फॉरवर्ड है, आप देख सकते हैं, मैं वो यहाँ लगा सकता हूँ। बट ये वाला चीज को यहाँ लेना इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, बिकॉज मुझे चाहिए फॉरवर्ड और ये तो स्पॉट है। तो इसका मतलब पहले हमने DG पर डॉलर का फॉरवर्ड निकाल लेना चाहिए। अब DG पर डॉलर का फॉरवर्ड क्या निकाल सकेंगे क्या, हाँ, तो कैसे, एज पर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। अब मैं वो स्पॉट रेट को फिर से लिख रहा हूँ, $1 इज इक्वल्स टू 2 DG, बराबर है। तो DG जो है वो आपकी डोमेस्टिक कंट्री है, बराबर है, विच इज नेदरलैंड्स। सो नेदरलैंड्स इज डोमेस्टिक कंट्री। अब 1 प्लस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अपॉन 1 प्लस फॉरेन इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। तो डोमेस्टिक नेदरलैंड्स है, तो नेदरलैंड्स का इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है 0.04 × 3/12, और यूएस का भी दिया हुआ है 3% × 3/12, और स्पॉट भी दिया हुआ है 2, तो हम फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। देयरफॉर फॉरवर्ड रेट $1 इज इक्वल्स टू, फिर से 2 ही आ रहा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। टू पॉइंट जीरो जीरो, हाँ 2.005 DG, बरोबर है। अब एक बार फॉरवर्ड आ गया, ये क्या है, DG अपॉन डॉलर। तो अब आप देख सकते हैं कि DG अपॉन डॉलर में ये वाला यूज कर सकता हूँ। तो अब अगर मुझे DG अपॉन DM बनाना है, तो मुझे पहले चाहिए DG अपॉन डॉलर, जो कि है मेरे पास 2.005। फिर मुझे क्या चाहिए, डॉलर अपॉन DM,
पर डॉलर अपॉन डीएम नहीं है मेरे पास, डीएम अपॉन डॉलर है, तो मैं उल्टा कर सकता हूँ, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे 1/1.6, तो ये एक आंसर आ गया 1.25, ऐसा डी जी और डीएम, परफेक्ट बना लीजिए। डन, नेक्स्ट 136, यहां पर इज इक्वल्स टू है ये दोनों के बीच में। सो सपोज ऑन 1 जैन द स्पॉट रेट इज 1 UK pound इज इक्वल्स टू 1.5 डॉलर्स, और यूके और यूएस का इंटरेस्ट रेट अगर दिया है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 बार फॉरवर्ड रेट निकालना है। अभी याद है ना ये कैसे करते हैं हम लोग? सो 1 pound इज इक्वल्स टू 1.5 डॉलर्स, मतलब क्या हो गया कि यूएस इज अ डोमेस्टिक कंट्री, और एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, बताओ पहले डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब यूएस का क्या है 8, और यूके का, और यहाँ पर आएगा 1.5। सो ईयर वन फॉरवर्ड रेट क्या आएगा, 1.528। ऐसा
फिर ऐसा अपने को 1.528 अभी क्या लेना पड़ेगा, स्पॉट, और ईयर टू और ईयर थ्री निकलेगा। चलो करते रहो, मुझे ईयर टू और ईयर थ्री का भी बताना। डन मैम। सो ईयर टू का क्या आ रहा है, 557 और 586। ओके, सबका यही आ रहा है क्या, देख लीजिए, मस्त रहे, क्लियर। अब क्वेश्चन 137, 137 कहता है इंटरेस्ट रेट ऑफ जर्मनी 11 है और इन्फ्लेशन 5 है, और ब्रिटिश का इंटरेस्ट रेट 9 है, तो उसका इन्फ्लेशन कितना होगा। अब कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा, किसी ने अच्छा ही सिखाया है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। तो क्या करना है अपने को, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट अपॉन 1 प्लस फॉरेन इन्फ्लेशन रेट। अब आप किसी को भी डोमेस्टिक कंसिडर करो, कोई फर्क ही नहीं गिरता, बस मेक श्योर करेंगे जिसको डोमेस्टिक करोगे तो दोनों का न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर में, किसको करूं। सो अज्यूमिंग जर्मनी एज अ डोमेस्टिक कंट्री, तो जर्मनी का इंटरेस्ट रेट है 1 प्लस 0.11, और जर्मनी का इन्फ्लेशन नहीं है ना, है, यस है, फिर ब्रिटिश का इंटरेस्ट रेट है और ये नहीं है, कर लीजिए। वन पॉइंट यू गिव ऑलवेज रॉन्ग, हाँ, 3% माइनस वन भी करने का रहता है ना, और मैं तो कैलकुलेट करे बिना कैसा लगाता हूँ, मेरा हो गया है कि इधर इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस अगर 2 है तो वहां भी 2% ही डिफरेंस आने वाला है, तो ऊपर 5 है तो नीचे 3 ही आने वाला है। 1.03 कैसे होगा, वो तो 1 प्लस है ना, फिर माइनस वन तो करते हैं ना अपन, तो 3% आएगा, समझे मैम मैं क्या किया।
डन। वन थर्टी एट, कैन आई से अगेन 138 सेम? सो कौन सी कंट्री अज्यूम करूं? अज्यूम इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री एज पर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, वन प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अपॉन वन प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू वन प्लस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अपॉन वन प्लस फॉरेन इन्फ्लेशन। तो वन प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मतलब इंडिया का इंटरेस्ट रेट इज दिस मच, और इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन रेट इस बार दिया हुआ है, आपको निकालना है इंटरेस्ट रेट। ट्वेल्व 16.5 आना चाहिए, मेरा गलत भी हो सकता है। सर बहुत बढ़िया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 में ये इधर ऐसा है, इज इक्वल टू रह गया। दिख रहा है सेकंड लाइन में, वन स्वेडिश क्रोना इज इक्वल्स टू 1.603 FF। सो इंटरेस्ट रेट स्वेडिश क्रोना का और इन्फ्लेशन दिया है, और इन्फ्लेशन भी दिया है, करंट स्पॉट भी दिया है। तो वो बोलते हैं हाउ मच इज द स्पॉट एक्सपेक्टेड रेट इन वन ईयर एंड व्हाट विल बी द वन ईयर फॉरवर्ड रेट। लो कुछ भी पूछते हैं ये। तो अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे सब लोग, तो मेरा जो स्पॉट रेट है वो है वन स्वेडिश क्रोना इज इक्वल्स टू 1.063 FF। मतलब फ्रांस इज द डोमेस्टिक कंट्री। अब एज पर परचेस पावर पैरिटी थ्योरम, वन प्लस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अपॉन वन प्लस फॉरेन इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड स्पॉट अपॉन स्पॉट, ये होता है। अब फ्रांस का इन्फ्लेशन है क्या, और इसका, और स्पॉट, तो एक्सपेक्टेड स्पॉट मिलेगा क्या? सॉरी मैम, 1.105 ऐसा। और आपने देखा उन्होंने ऐसा पूछा, एक्सपेक्टेड स्पॉट आफ्टर वन ईयर एंड व्हाट विल बी द वन ईयर फॉरवर्ड रेट। तो फिर अपने को नीचे एक लाइन थ्योरी में लिखना है कि एज पर एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ फॉरवर्ड रेट्स, फॉरवर्ड रेट आफ्टर वन ईयर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट विच इज 1.105। पहले ये कर लेंगे।
नेक्स्ट लाइन, एज पर एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ फॉरवर्ड रेट्स, एज पर एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ फॉरवर्ड रेट्स, वन ईयर फॉरवर्ड रेट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर वन ईयर। Is equals to this. कैसे रहता अलग अलग? किधर किधर? क्वेश्चन में दिया रहता है कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अलग है और फॉरवर्ड रेट अलग है, बट अगर मैंने उस दिन आपको थ्योरी में बताया था कि ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, वो नहीं क्या थ्योरी से बताया था? अब वो अलग क्यों रहता है और वो लोग सेम क्यों बोल रहे हैं मैम? सेम जो हम लोग आर्बिट्राज गेन का बोलते थे कि एक टाइम एक समय में एक्सपेक्टेड स्पॉट और फॉरवर्ड रेट अलग अलग रहता है, बट जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चलेगा लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और दिस रेट विल स्टार्ट गोइंग डाउन, दिस रेट विल स्टार्ट गोइंग अप, और इट सेम रहेगा। जैसे मैं आपको अभी कल भी उस दिन भी मोबाइल पे एक बार बताया था, आप क्या करना, अभी अभी जून आएगा ना, अभी आपको ये स्टॉक में जाएंगे और फ्यूचर्स में जाना, कोई भी इसमें फ्यूचर्स में आज का स्पॉट रेट मतलब अभी जो ऊपर शेयर प्राइस चल रहा है और जून का एंडिंग का फ्यूचर रेट में डिफरेंस रहेगा, बरोबर है? और अभी जून का लास्ट डेट आएगा ना थर्सडे, आप उसके एक दिन पहले, जैसे अभी समझो जून का लास्ट थर्सडे कब है, कल है, तो आज आप देखना आज का स्पॉट रेट और वो फ्यूचर रेट सेम ही रहेगा, बिकॉज एवरीबडी हैज टू कॉन्वर्ज ना, जैसे जैसे मेच्योरिटी विल स्टार्ट कमिंग अप। तो हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट तो अलग है और फॉरवर्ड रेट अलग है, कब? आज जब आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है जून एंड में ये रेट रहेगा और आज तो बैंक मुझे ये फॉरवर्ड दे रही है तो क्या करूं, इसके लिए हम लोग सम सॉल्व करते हैं, बट हमें ये मालूम है कि जब हम उस मेच्योरिटी पर पहुंचेंगे तब जो स्पॉट रेट चल रहा है और फॉरवर्ड रेट चल रहा है वो सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। राहुल क्वेश्चन 140 इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया है बहुत बार और आपको अभी 2 मिनट में समझेगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है, तो थोड़ा सा नींद से जाग जाइए, एक बार ये हो गया कि फिर से एक बार आराम से सो जाना, कोई मैं ऐसा बस ये सम के लिए जागना है, ओके? क्वेश्चन 140 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द टेबल इज शोइंग द इंटरेस्ट रेट्स बिटवीन डॉलर एंड फ्रेंच फ्रैंक्स, द स्पॉट रेट इज दिस। अब वो बोल रहे हैं कि 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का करके बताओ, क्वेश्चन मार्क्स है, मैं ही सॉल्व करूंगा, आप पूरा देखिए, ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैं स्पॉट रेट लिखता हूँ, $1 इज इक्वल्स टू 7.0, सही है? अगर मैं कोट देखूं तो ये कोट है FF पर डॉलर और इससे समझता है कि परफेक्ट। अब ये क्वेश्चन अगर आप समझे होंगे आपको एक्चुअल में 3 बार सॉल्व करना है, पहले 3 मंथ्स का सॉल्व करना है, फिर 6 मंथ्स का सॉल्व करना है और फिर 1 ईयर का सॉल्व करना है, 3 टाइम्स ये सम को सॉल्व करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले 3 मंथ्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको 3 मंथ्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 प्लस फॉरन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। अब मैं अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट लू मतलब फ्रांस का, नहीं ना, इंटू 3/12, फिर 11
इंटू 3/12, फिर 7.05, और आपको यहाँ पर फॉरवर्ड आएगा। देयरफॉर फॉरवर्ड रेट इज इक्वल्स टू $1 इज इक्वल्स टू, बताइए अच्छी तरह से, 2, 3, 4 डिजिट तक बताना। सेवन पॉइंट 1871 नहीं आ रहा क्या आपका? वही है, मैं तेरे साथ हूँ। 7.1871 आ रहा है। अब आप बताइए आपको कौन सा नंबर मिल गया, ये वाला? राइट, सही कह रहा हूँ मैं? कहीं भी आप, आपको ऐसा लगा, कह रहे इसने कुछ अलग बोल दिया, मुझे बताइए। फ्रैंक पर डॉलर चाहिए था आपको, मैंने निकाल के दिया। मेरे को तो ब्रैकेट में दिख रहा है एनुअली कंपाउंडेड। मैं डर गया हूँ, ऐसा ना कर। देखो मैं पहले बोला था एक सम के लिए जागना है, बाद में आप सो सकते हैं। ओके, अब नीचे देखिए उन्होंने क्या बोला है, फॉरवर्ड डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना है, मतलब कि प्रीमियम पे के डिस्काउंट। तो हम क्या करते हैं, स्पॉट रेट दिया है, फॉरवर्ड रेट भी दिया है, हम तुरंत निकाल देते हैं। गलत, यहाँ पर दिक्कत ये हो गई। अब देखिए उनको क्या चाहिए, पर फ्रैंक, मतलब जब भी प्रीमियम डिस्काउंट्स निकालोगे उन्हें पर फ्रैंक चाहिए। और पर फ्रैंक बोलने के बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी कोट को ही घुमा देना पड़ेगा। तो अब आपको दोनों कोट्स पहले घुमाने पड़ेंगे। सो स्पॉट रेट बताइए, 1 FF इज इक्वल्स टू कितने डॉलर्स? 0.1। ओके, इसमें नहीं है, रुको। 1 FF इज इक्वल्स टू, ऐसा। अब ये दोनों कोट्स FF है, इसका अब आप देख सकते हैं कि सच में ये डिस्काउंट पे है, और इसीलिए उन्होंने ऊपर आपको क्या पूछा है, डिस्काउंट बताइए। तो अब हम डिस्काउंट परसेंटेज बता सकते हैं, 0.1391 माइनस 0.1418 अपॉन 0.1418 इंटू 12/3 इंटू 100, 7.6 नेगेटिव, नेगेटिव हाँ नेगेटिव। तो ये भी आपको मिल गया, मतलब अब आपका 3 मंथ्स का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें 6 मंथ्स पे अगर जाना है तो देखिए और दिक्कत का काम है। क्यों दिक्कत का काम है, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी से पहले कर ही नहीं पाएंगे। हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी से क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दो आइटम गायब हो गए। एक तो फ्रांस का इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, फॉरवर्ड तो ढूंढना ही है। तो अब करने का तो क्या, मैं तो एकदम बाबा टेंशन में आया हूँ। अब कर रहा था तो कैसे कराए था, तो पहले तो इतना अपन लिया था 6 मंथ्स बरोबर, और आपने अभी अभी स्पॉट रेट तो लिखा ही है, कौन सा 1 FF इज इक्वल्स टू 0.148 डॉलर, ये तो आपने लिखा ही था। और डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है फॉर्मूला, तो क्यों ना ऐसा करें, राइट? तो फॉरवर्ड मालूम नहीं है लेकिन स्पॉट तो मालूम है, राइट? बोलो, इंटू 12/6 इंटू 100, और ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है ये उन्होंने खुद ने दिया है -6.3%। तो इससे आपको एक्स निकल जाएगा विच इज योर फॉरवर्ड रेट। बताइए कितना, मैं बोलूंगा कैसे करने का, 0.1373। ये 0.1373 को एक्स की जगह पर डाल के एक बार इक्वेशन सॉल्व करके देख ले, -6.3 आ रहा क्या? इक्वेशन में डाल के भी नहीं आ रहा, मैं
मैम आप उसका नंबर डाल के देखिए ना, उस पर थोड़ा तो विश्वास कीजिए, उसका इक्वेशन में वो नंबर डाल दीजिए तो आप देखिए -6.3 आता है तो ही वो साइज बोल रहा है बेचारा आ रहा। अब देखो एक मिल गया अपने को, अब क्या ना इससे दोनों कोड घुमाने पड़ेंगे क्योंकि अब आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है पर डॉलर। तो अब $1 इज इक्वल्स टू स्पॉट 7.05 FF और फॉरवर्ड रेट इज इक्वल्स टू, यस मैम, $1 इज इक्वल्स टू 2833 ऐसा। और अब हम फिर से कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक क्या था अपना, डोमेस्टिक फ्रांस है क्या, वही तो ढूंढना है। फिर फॉरेन का है क्या रेट, 12.25, यस और नो, फॉरवर्ड है अपने पास और वो भी है देफो एक्स जो कि इंटरेस्ट रेट रहेगा, अब वो भी मिल गया आपको। अच्छा क्वेश्चन है ना, थैंक्स। -19.27% ऐसा, ओके। मैं क्यों कंफर्म बोल सकता हूँ ये है, मुझे समझता कैसे है, क्योंकि आपने मुझे बोला ना कि वो करेंसी का डिस्काउंट है 6% और मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है 6 मंथ का 12.25 है, तो 12.25 में 6.5 ऐड करो तो यस 18.19 कुछ तो भी आता है, तो ये समझ वाली बात है कि राइट है। ऐसा ही अब अपने को 12 मंथ्स का करना है। अब देखिए 12 मंथ्स में आपके पास स्पॉट तो था $1 इज इक्वल्स टू 7.05 FF और इस बार आपको फॉरवर्ड भी दे दिया है उन्होंने, क्या दिया है फॉरवर्ड $1 इज इक्वल्स टू 7.5200 FF। अब अपना वही है 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट, 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट, अब अपने पास फ्रांस का इंटरेस्ट रेट है क्या, और इधर आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये 12 मंथ्स है और इसका इंटरेस्ट रेट नहीं है, परफेक्ट। फिर उन्होंने आपको क्या बोला है, फिर से डिस्काउंट चाहिए। अब डिस्काउंट चाहिए तो कहना है इसे पहले कोड्स को घुमा लेंगे। सो स्पॉट रेट 1 FF इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डॉलर्स, 1.4 एंड फॉरवर्ड है तो 1 FF इज इक्वल्स टू पॉइंट कितने, 3 2 ही दे फोर डिस्काउंट परसेंटेज। ऐसा तो ऐसा अपने को 3 बार सॉल्व करने का रहता है, आइए कर लीजिए।
सबका हो गया। अब यहां से कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज आएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम विल नॉट होल्ड ट्रू। सो वी विल प्रूव कि देखो हम पैसा बना सकते हैं। तो मैं एक दो तीन क्वेश्चन प्रूव करेगा, उसके बाद वो अब फिर से बोलेंगे तो मैं सिर्फ, याद है ना, LHS RHS नॉट इक्वल टू है और हम आर्बिट्रेज गेन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दो तीन दोनों साइड से प्रूव करके देता हूँ, बाद में मैं कंक्लूजन लिख दूंगा कि बस। क्वेश्चन 141 देखिए, एक्सचेंज रेट दिया है इतने कैनेडियन डॉलर्स पर डीएम, और फिर आपको 3 मंथ फॉरवर्ड रेट भी दिया है और दोनों के इंटरेस्ट रेट भी दिए। तो क्वेश्चन कहता है आर्बिट्राज गेन होता है क्या? अब अगर आर्बिट्राज गेन होता है क्या, मतलब क्या वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम नहीं चलेगा। तो अब अपना देखिए, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज थ्योरम क्या कहता है कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ऐसा कहता है। अगर ऐसा रहा तो देर इज अ आर्बिट्राज गेन विच यू कैन मेक। नाउ यू रिमेंबर व्हाट आई डिड विद द फॉर्मूला, हमारा इंटरेस्ट पैरिटी थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, अब ये बहुत बार लिख लिया हमने, 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट, ऐसा होता है। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज क्या करता है, सिर्फ ये ऐसा ऐसा, और ये इधर चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट ना। अब देखो करके देखते हैं, मेरे को क्या स्पॉट रेट दिया है उसने, मेरे को स्पॉट रेट दिया है 1 DM इज इक्वल्स टू 0.665 कैनेडियन डॉलर्स, और फॉरवर्ड में 1 DM इज इक्वल्स टू 0.670 कैनेडियन डॉलर्स, बरोबर। इसका मतलब क्या हो गया, कैनेडा इज डोमेस्टिक कंट्री। अभी क्या करना कैसे होता है, LHS पहले निकाल लेने का, LHS। अब आपका LHS क्या है, 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, यस और नो? तो अपना डोमेस्टिक मतलब कनाडा, तो 1 प्लस 0.09 इंटू 3/12, 1.0225, और जो भी आपके आंसर आएंगे उसके आगे आपको डोमेस्टिक करेंसी लगा देने की, LHS में भी और RHS में भी। तो यहां पे आएगा ऐसा। अब RHS क्या है, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इनटू वन पॉइंट जीरो टू फाइव कैनेडियन डॉलर्स। नाउ दिस क्लियरली स्टेट्स दैट बरोबर, पक्का। अब कौन सी साइड ज्यादा है, मेरे हिसाब से RHS है, जितना मेरे को आइडिया आता है। RHS अगर बड़ा रहा तो फॉरेन कंट्री में ज्यादा पैसा बनेगा, और LHS अगर बड़ा रहा तो अपने ही देश में ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि LHS में अपने देश का रेट है, RHS में उस देश का रेट है, राइट? तो अब इधर देखो, एज LHS छोटा है और RHS बड़ा है, वी विल इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री, दैट इज डीएम माना जर्मनी,
और उधर पैसा बनेगा, अपने देश में नहीं बनेगा। अब अपन ये प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ समझो, मैं 1,000 कैनेडियन डॉलर्स के साथ शुरू करता हूँ। पहले मैं कनाडा का ही करके बताता हूँ, तो मैं कनाडा में ही हूँ तो मुझे कोई कन्वर्ट करने की तो जरूरत है नहीं। 1,000 कैनेडियन डॉलर्स है, और कनाडा में क्या रेट चल रहा है? 9%, मेरे हिसाब से 9 चल रहा है। तो 1,000 × 9% × 3/12, ऐसा। सो टोटल हो गया 1,022.5 कैनेडियन डॉलर्स, राइट। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं डीएम मतलब जर्मनी, और एज यूजल 1,000 कैनेडियन डॉलर से ही शुरुआत कर रहा हूँ। अब 1,000 कैनेडियन डॉलर वहाँ पे तो डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते, वहाँ जाना है तो आपको पहले वहाँ के देश की करेंसी कन्वर्ट कर लेनी है। तो स्पॉट रेट क्या था? तो 1,000 कैनेडियन डॉलर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1,500,033, 1,533 ऐसा। फिर वहां मैं लेके जाऊंगा और इतने पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा वहां के रेट पे 3 मंथ्स के लिए। तो टोटल मेरे पैसे बन गए 1,500। फिर उसको यहाँ लेकर आके मुझे कन्वर्ट भी तो करना है। अब कन्वर्ट करेंगे 3 महीने बाद ना, तो 3 महीने बाद का रेट क्या है? 1 DM इज इक्वल्स टू 0.670 कैनेडियन डॉलर्स। तो 1,530.0758 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1,025। मतलब 1,025 कैनेडियन डॉलर्स बनेंगे, और कनाडा में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1,022 कैनेडियन डॉलर्स बनेंगे। हेंस प्रूव कि मैं पैसा बैठे बैठे बना सकता हूँ यहाँ से वहाँ लेके जाके, क्लियर है? कर लेंगे।
हाँ वो नीचे नहीं गया। वॉट ऑपरेशन विल यू डू टू टेक द ग्रेन्स? बताना पड़ेगा ना उनको। डन सबका मैम। चलिए क्वेश्चन 142। नाउ व्हेन वी सी दैट देर इज अ 3 मंथ 6 मंथ कोर्स एंड देर इज अ 3 मंथ एंड 6 मंथ रेट्स एंड इफ दे टेल यू कि भाई बताओ स्कोप है क्या, तो देन यू हैव टू सॉल्व फॉर 2 टाइम्स। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई 3 मंथ्स में क्या है, इज देयर एनी स्कोप, और फिर आपको 6 मंथ्स में बताना। तो मैं फिर से एक बार करके बताऊंगा, आप एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है 3 मंथ्स का, ठीक है। अब स्पॉट क्या है? अच्छा ठीक है बैठिए। अरे नहीं, और फॉरवर्ड
बाउंड है क्या? हाँ बराबर, 152.8, 152.9 रुपीस ऐसा है। अब अपने को चेक करना है तो आपको वो सब इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, एज पर आर्बिट्राज कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज थ्योरम। हाँ वो तो आप लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब LHS डोमेस्टिक इंडिया है, तो डोमेस्टिक का रेट क्या है? नहीं ना, RHS राइट। अब यहाँ पर इसलिए मैं ये सिखा रहा था कि अपने को मालूम पड़े कि जब बीडर ऑफर हो तो फिर क्या लेना, तो क्या लेना? कुछ भी नहीं लेंगे, लड़का कह रहा है कुछ भी नहीं लेना। बताइए ऐसे कैसे हो रहा है? सो फॉरवर्ड में आपको लेना है बिड, और स्पॉट में लेना है आपको ऑफर। बच्चे सोच रहे ऐसा क्यों किया तूने? तो अपन आज के आज फॉरेन करेंसी खरीद के जाते हैं ना बाहर, गांव देश गांव को, तो अपने को क्या करना पड़ता है? बाय बाय करेंगे आज के आज, तो अपने को कौन सा रेट कोट होता है? ऑफर। इसलिए हम लोग लेते हैं स्पॉट ऑफर। और जब अपन US जो कि गांव है, गांव से आते हैं, तो अपन क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी को बेचते हैं, बेचेंगे तो अपने को कौन सा रेट कोट होगा? बिड। इसलिए हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड में लेंगे बिड, स्पॉट में लेंगे ऑफर। सर सर N2 3/12। अब बताइए 1 पॉइंट ऐसा। ये देखिए मैंने दोनों के सामने क्या लगा दिया, रुपीस। अब LHS क्या RHS के साथ है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अब पैसा बनाने का मौका है। कहाँ बनेगा पैसा? ये अच्छा एक डिप्लोमेटिक आंसर होता है डोमेस्टिक, क्योंकि देश का कोई आइडिया है नहीं। अब क्या कौन सा देश है? तो डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इंडिया में। अब प्रूफ भी करना है, मैंने जैसे आपको कहा कि प्रूफ भी करके देने वाला हूं मैं। सो कितने पैसों से शुरू करूं? 1,000, बहुत चेंदी लग रहा है थोड़ा। 10,000 लूं? 10,000। अब बताइए भारत में इंटरेस्ट रेट क्या है? ₹200। देफ टोटल पैसा बनेगा बराबर, ये हो गया LHS वाला। अब वी हैव सपोज 10,000 और अपना स्पॉट रेट है 10,000, है ना? तो अपने को क्या करना है? करेंसी को लेना है, तो हम वो करेंसी को लेकर उड़ जाएंगे लंदन, बराबर है? तो सर बताइए ना कौन सा लिया आपने? हाँ कितने पाउंड्स? पॉइंट 7। अब वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, क्या रेट चल रहा है वहाँ? टू पॉइंट देखो, ₹192 ऐसा। फिर आप उसको फॉरवर्ड रेट में कन्वर्ट करोगे, फॉरवर्ड रेट में कन्वर्ट करेंगे, अपना फॉरवर्ड के रेट क्या है?
है ना, आपके लिए क्या काम का है? बिड। वन, देखो पैसा कहाँ बन रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक ही जीता ना ऊपर, राइट? तो ये मैंने कौन सा सॉल्व किया, और फिर आपको अभी कौन सा करना है? 6 मंथ्स। चलिए स्टार्ट कीजिए, पहले 3 मंथ्स पूरा बना लीजिए, फिर आप 6 मंथ्स का कीजिए।
6 मंथ्स का कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 144 IRP थ्योरम।